हाँ जी, गुडविल के बारे में आप लोग पहले कर चुके हो, वही गुडविल है, उसी तरह से गुडविल कैलकुलेट होती है, लेकिन इसमें जो एडमिटेड पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश लेकर आएगा। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जनरली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, लेकिन कभी कभी गेनिंग पार्टनर भी बन जाते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एक क्वेश्चन में, जिसमें कि नए पार्टनर के एडमिट होने से ओल्ड पार्टनर इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग वो भी गेन करने लगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। अब गुडविल के केस में क्या होगा, गुडविल के केस में गुडविल के दो ट्रीटमेंट हैं। एक तो ट्रीटमेंट होता है कि गुडविल का पैसा वो कैश लाया, ठीक है, पहले हमने गुडविल कैलकुलेट की, गुडविल कैलकुलेट करने के बाद जो नया पार्टनर आया है हमने उसका हिस्सा कैलकुलेट किया, उसका शेयर कैलकुलेट किया, वो शेयर उससे मंगवाया। मंगवाया का मतलब क्या हुआ, क्या इनकी शेयर मंगवाया, मान लो गुडविल है हमारी, सपोज गुडविल है, यही क्वेश्चन है, गुडविल है 60,000, ठीक है, सी एडमिट हुआ है। अब सी का शेयर क्या है, सी शेयर कितना बताया मैंने अभी, 1/5, शेयर तो 1/3 of 1/5 है ना, तो शेयर तो उसका 1/5 है, तो सी का शेयर कितना हो गया 1/5, तो वो लाएगा 1/5 of 60,000, 12,000 रुपये। और ये हमने 12,000 रुपये का शेयर निकाल लिया। अब उससे हम कहेंगे कि आप इतने पैसे लेकर आओ, ठीक है। अब हमारे पास दो चांसेस हैं कि वो पैसे ले आता है या वो पैसे नहीं लाता। वो कहता है कि मैं गुडविल के पैसे अभी नहीं ले सकता, अभी आप उससे कैपिटल के पैसे ले लो। अभी हम मान रहे हैं कि वो ले आया तो एंट्री क्या होगी, पैसा आया ना, कैश या हम कहेंगे बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए ना, तो हम इसको डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 12,000 रुपए, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर किस चीज के पैसे लाएंगे, गुडविल का प्रीमियम, ठीक है, 12,000, ठीक है। इसके बाद ये पैसा किसके पास जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर के पास, ओल्ड पार्टनर नहीं कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए का जो सैक्रिफाइस कितना बना था, 1/15, ठीक है, 20 सैक्रिफाइस और निकाल लेते हैं हम। अब 1/3 अगर वो ए से ले रहा है तो अंडरस्टूड है 2/3 वो बी से ले रहा होगा, है ना, तो 20 सैक्रिफाइस कितना हुआ, 2/3 ऑफ, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, सी सैक्रिफाइस, यहां पर क्या हो रहा है, सी एक्वायरिंग 1/3 ऑफ हिज शेयर। चलो हम यहाँ क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ए इज टू बी, ओल्ड रेशो क्या थी, 1:1, सी एडमिटेड फॉर 1/5, ठीक है, सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अगर 1/3 वो ए से ले रहा है तो 20 है, नेचुरल बात है वो 2/3 ही लेगा, तो 20 सैक्रिफाइस। अब मैंने सैक्रिफाइस निकाला बी का, लेकिन निकालूंगी मैं सी के शेयर के बेस पर, क्योंकि सी एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, तो मैंने निकाला, तो ये आ गया हमारा 2/15 आ गया। अब यानी बी का शेयर सैक्रिफाइस हो गया 2/15, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अच्छा देखो, न्यू रेशियो की हमें कैलकुलेशन अलग से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, न्यू रेशियो में कोई भी चीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट नहीं बांटी जाती, कोई भी चीज या तो बटेगी तो ओल्ड रेशो में बटेगी या सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, कभी भी न्यू रेशो में कोई भी चीज नहीं बटती, क्योंकि न्यू रेशो का जो यूटिलाइजेशन होना है वो फ्यूचर में होना है। अगर आपको कहते कि एक क्वेश्चन एक बार आ गया था कि रिटायरमेंट हो गई, एडमिशन हो गया पार्टनर का, और इसके बाद फर्म ने इतने प्रॉफिट अर्न किए,
एडमिशन के बाद अगर प्रॉफिट अर्न किया तब वो न्यू रेशियो में बढ़ना शुरू। तो जिस दिन हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन का कर रहे हैं या रिटायरमेंट का कर रहे हैं उस वक्त हमें न्यू रेशियो की जरूरत नहीं है। तो मेरा यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई क्या है 1:2। अब बताओ क्या होगा आगे, इस 12,000 रुपए को हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, टू ए कैपिटल, ये यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड दे रखा है तो आप एज कैपिटल यूज करोगे और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो एज करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इनके भी आपके मार्क्स कटते हैं और आपका अगर मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो वो जानबूझकर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड ही लगा सकते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ 12,000, यहाँ 4,000 और 8,000, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि ए बी विड्रॉन विथ यू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, ए एंड बी विथ यू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल। अब बताओ उन्होंने क्या विड्रू किया, गुडविल का अमाउंट विड्रू कर लिया, बताओ क्या एंट्री होगी, दोनों ने पैसे निकाल लिए ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल या कैश, मैम प्रीमियम फॉर गुडविल, मैम प्रीमियम फॉर गुडविल, मैम गुडविल निकालो, कैश बेटा, पैसे हम कोई प्रीमियम फॉर गुडविल कोई चीज थोड़ी ना जो हम निकाल रहे हैं, उसके नाम से पैसा आया था आप उस पैसे को निकाल रहे हो, मैम कैश या फिर बैंक, हाँ कैश या बैंक। यहाँ पर कई बार बच्चे ना यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, नहीं आपने उस नाम का जो पैसा आया था आपने वो पैसा विड्रॉ किया है ना, जैसे आप कहते हो ना मैं अपने राखी के नाम के पैसे खर्च कर रही हूँ, तो आप राखी थोड़ी ना खर्च कर रहे हो, आपको उसके नाम से जो पैसे मिले थे आप उस पैसे से कुछ खरीद कर ला रहे हो, तो हम एक्चुअली तो कैश ही यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम कैश लिखेंगे, कितना उन्होंने कहा 1/2 निकाल लिया, तो 2,000 इसने निकाल लिया, 4,000 इसने, यानी जिसको जो मिला था 4,000 इसको मिला था तो वो निकाल लिया, 8,000 इसको मिला था इसने 4,000 निकाल लिया और टोटल 6,000 रुपए निकाल, समझ गए, ये बिल्कुल सिंपल केस है। तो बता सकते हो ये एंट्री किस लिए की है मैंने, इसकी नरेशन क्या है, गुडविल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर इन कैश, आपका हो सकता है आपको एंट्री दे रखी हो आपसे ट्रांजेक्शन पूछ ली जाए, क्वेश्चन में उल्टा भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एंट्री दे दी जाती है और आपसे उसकी ट्रांजेक्शन पूछी जाती है, ठीक है। नीचे नरेशन लिखने का आपका जो फिल इन द ब्लैंक होता है, एंट्री दे दी अमाउंट दे दी, नीचे ट्रांजेक्शन आपको नरेशन क्या है, एक्चुअली में नरेशन क्या होती है, ट्रांजेक्शन जो आपकी इस एंट्री को बता सके। कई बार क्या होता है आपको एंट्री दे देंगे नीचे ट्रांजेक्शन दे देंगे अमाउंट आपको बताना होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको हर तरह से प्रिपेयर होना है। ये एंट्री बता सकते हो क्या हो रही है, बीम गुडविल क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री क्यों हो रही है, अब ये अगर एंट्री आपको ये तो दे देना, ये तो ना दे रखी हो सिर्फ ये एंट्री दे रखी हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये गुडविल विड्रॉल की एंट्री है, नो फिर आप कहोगे बीइंग कैश विड्रॉन बाय द पार्टनर, भाई अगर आपको तीनों एंट्री दे रखी हो फिर तो आप पहचान सकते हो, लेकिन अगर मान लो ये एंट्री भी ना दे रखी हो ये भी ना दे रखी हो तो इस एंट्री से कैसे पता चल रहा है कि गुडविल निकाल रहे हैं, नहीं इससे फिर आप कहोगे बीइंग कैश विड्रॉन बाय द पार्टनर, ठीक है समझ में आ गया। ये तो केस है कि अगर पार्टनर से पैसा मंगाया गया और वो सही सलामत पैसा ले आया, अब अगर पार्टनर से पैसा मंगाया जाए और वो पैसा ना लेकर आए तो क्या होगा, हाँ जी तो ये वाली जो एंट्री है यहाँ पर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, पैसा तो आया ही नहीं, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट भी नहीं होगा, न्यू टू ओल्ड होगा, यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे
जो पार्टनर आया है नया, अगर वो कैश ना लाता तो हम क्या करते हैं, सीज। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, अब ऐसा तो मैं कहती हूँ ऐसे केस में फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, सी का करंट अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए ताकि हम उसके अकाउंट के नाम से। अब ये जो सी का करंट अकाउंट है, ये एक तरह से हमारा शो कर रहा है कि हमें इससे पैसे लेने हैं, वो बैलेंस शीट में क्लियर भी होंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना, 12,000, ठीक है। अब हमें प्रीमियम्स और गुडविल नहीं करना, हम सीधा कर देंगे टू एज कैपिटल टू एज ठीक है, 4,000 और समझ गए। अब जब वो कैश लाया ही नहीं तो वो विड्रॉ क्या करेंगे, समझ गए। अच्छा, इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चल रही है, अरे चल रही है, हाँ जी। एक और मेथड है, वो गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग डाउन मेथड है ना। वो सिलेबस में सर ऐसे आपकी बात कह रहे हैं कि उसको डिटेल में आने के चांसेस नहीं है, वो क्या मेथड है बताओ, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मेथड। उसमें क्या होता है, सिर्फ मैं आपको बता दे रही हूँ ये मेथड, कि हम उस ऐसे केस में हम क्या करते हैं, गुडविल को पूरे अमाउंट से डेबिट करेंगे, उसमें पार्टनर का शेयर नहीं निकालेंगे कि तुम्हें कितना लाना था, हम पूरे अमाउंट से गुडविल को डेबिट करेंगे। कैसे, गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी नहीं है, गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। हमने टेन सीज नहीं होता है, टू ए एंड टू बी, हमने गुडविल रेज की पुराने ओल्ड पार्टनर से पूरे अमाउंट से 5,000 उनके ओल्ड रेज में, 30,000 और 30,000 एक बार रेज कर दी। अब मैंने यहां पर उसका शेयर नहीं निकाला, मैंने पूरी गुडविल के अमाउंट को पूरी को रेज कर दिया, और इसके बाद इसको साथ साथ राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करते हुए हम, राइट ऑफ करना यानी पार्टनर डेबिट एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल, यहां पर अब मैंने तीसरे को भी डेबिट कर दिया, समझ गए। अब देखो वो क्या करेंगे, हमने अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत नहीं है, न्यू रे। अब यहां मुझे राइट ऑफ करते समय न्यू रेशो की जरूरत है, अब मुझे न्यू रेशो चाहिए होगी। अब देखो इसकी न्यू रेशो क्या आई थी, 13/30 और इसकी कितनी आई थी, 1/2 - 2/15 30 हो गई, 15 - 4 11/30 यानी रेशो क्या हो गई एबीसी की, कितनी हो गई ए की, कितनी हो गई 13/30 11/30 और उसकी हो गई 6/30 6 ही होगी ना, 1/5 हाँ 6/30। अब इनकी रेशो 13:11:6 तो अब क्या होगा, अब जो मैं राइट ऑफ करूंगी टू गुडविल, अब मुझे सिर्फ इस केस में जरूरत पड़ी नई रेशियो की, लेकिन हम ये वाला मेथड कम ही यूज करते हैं, टू गुडविल और राइट ऑफ ए का कितना हो गया शेयर, 60,000 × 11/30 कितना होगा, 13/30 चलो कितना होगा, 26,000 बी का, बी का 60,000 × 11/30 22,000
सी का 6000 इंटू 6/30 और ये 1/5 12 आप देखो ए की कैपिटल कितने से हुई 26000 बी की 22000 सी की 12000 क्या आप बता सकते हो कि दोनों ये एंट्री और मेरी ये एंट्री सेम है लगता है आपको अगर इस एंट्री का निचोड़ देखो तो ये दोनों एंट्री सेम देखो सोचो कैसे बताओ कैसे देखो इस एंट्री में ए कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुआ कितने से 30000 से क्रेडिट हो गया 30000 से डेबिट हो गया 26000 से तो नेट क्रेडिट एक्स्ट्रा ही तो होगा 4000 तो ये 4000 हो गए बी क्रेडिट हुआ 30000 बी डेबिट हो गया 22000 8000 सी यहाँ पर क्रेडिट ही नहीं हुआ सिर्फ यहाँ डेबिट हुआ 12000 नेट हो गया गुडविल डेबिट हुई थी क्रेडिट है ना तो एक तरह से इसीलिए ज्यादातर हालांकि सिलेबस में डाल दी गई है और शायद अब दिल्ली के सिलेबस में से इसको हटा भी दिया गया है लेकिन बस मैंने आपको एक बार मेथड करवाया और इसको डिटेल में देखकर अगर इसकी जरूरत हुई तो हम प्रैक्टिस करेंगे बट अदरवाइज ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है तो हम फिर ये कहते हैं कि इससे तो रिपेटर यही अपना यही कर पर इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या है कि इसमें क्या है कि आपको क्लियर पता चल रहा है यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन किसको क्या दे रहा है बस आपको ये पता चल रहा है अगर कुछ भी ना दे रखा हो आपको और मैं पूछूंगी इसकी नरेशन क्या है आपको मैंने नहीं बताया इस गुडविल है या कुछ है कुछ भी नहीं बताया तो एंट्री क्या कह रही है कि सी ए और बी को कुछ पैसे दे रहा है किस नाम के दे रहा है वो क्लैरिटी नहीं है लेकिन अगर मैंने ये एंट्री कर दी तो क्लैरिटी हो गई कि पहले गुडविल उन्होंने अपनी बनाई थी और उस गुडविल को राइट ऑफ करके सी जो है ए और बी को एक तरह से गुडविल के पैसे दे रहा है और हमारा जो अकाउंट है वो हमेशा फुल डिस्क्लोजर का उसका प्रिंसिपल चलता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करो वो फुली डिस्क्लोज करना चाहिए फुली कि आप कोई ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे ये ऐसे समझ गए क्लियर है मैंने आपको अभी तीन मेथड्स करवाए एक बार हम रिवाइज करें कौन से तीन मेथड करवाए गुडविल के पहला मेथड क्या करवाया मैंने जब वो गुडविल कैश लेकर आया ठीक है गुडविल कैश लेकर आया बताओ क्या स्टेप्स हैं आपके आपका नाम रानी है ना हाँ आरती आरती बताओ क्या स्टेप्स हैं सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं अगर ओल्ड रेशियो गिवन है न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है तो हमें सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस और जो ज्यादातर जो बड़े क्वेश्चंस हैं आपके उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो गिवन होती है न्यू पार्टनर की का शेयर गिवन होता है तो आपको फिर अलग से सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती वो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है लेकिन अब जैसे यहाँ मैंने इतना लंबी चौड़ी कहानी आपको बता दी थी तो आपको सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करना पड़ा और न्यू रेशियो तो इसकी वजह से कैलकुलेट करनी ठीक है पहला स्टेप क्या है सैक्रिफाइस का पता लगाना कि वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और यू हैव टू कैलकुलेट सेकंड फिर हम गेनिंग पार्टनर्स का टोटल गुडविल में हिस्सा निकालते हैं अब क्वेश्चन में आपको गुडविल दो तरह से दी होती है एक तो आपको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी होती है कंफ्यूजन होता है इसमें कभी कि हमें कब शेयर निकालना है कब नहीं जब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी हो या आपको पिछले सालों के प्रॉफिट दे दिए हो और आपको ये कहा जाए कि आप गुडविल खुद कैलकुलेट करो अगर आप गुडविल खुद कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म आ गई बैठो फिर उसमें से क्या निकालेंगे हम न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे तीसरा स्टेप हो गया पहला स्टेप हो गया सैक्रिफाइस एंड गेन निकालना दूसरा स्टेप हो गया गुडविल अगर दे रखी है पूरी फर्म की दे रखी है तो उसका शेयर निकालना गुडविल नहीं दे रखी तो पहले गुडविल कैलकुलेट करो फिर उसका शेयर निकालो और अगर क्वेश्चन में सीधा दे रखा हो कि शी इज एक्वायर्ड
required to bring this amount of capital? ठीक है, फिर तो आपको कोई शेयर निकालना नहीं। अगर आपको दे रखा हो ना, तो सी विल ब्रिंग दिस अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर आपको नहीं निकालना। लेकिन अगर आपको पूरी गुडविल दे रखी हो तो आपको शेयर निकालना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे बोलो? फिर क्या करोगे इसके बाद? न्यू शेयर के बाद नहीं, उसके बाद कैश लेकर आएंगे। कैश लाने की एंट्री होगी। अगर वो कैश ला रहा है तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। इसके बाद बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? वो प्रीमियम हम उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इसके बाद अगर उन्होंने कहा, ये एंट्री नॉर्मली नहीं पूछी जाती पर अगर दे रखी है तो आपको ये। ये कौन सा केस था? कैश ले आए। अगर वो कैश नहीं लाया तो पहला स्टेप होगा सैक्रिफाइस कैलकुलेट होगा, लेकिन कैश लाने की एंट्री नहीं है। फिर क्या एंट्री होगी? ये भी केस कब हो रहा है? जब वो कैश नहीं दे रहा, कैश नहीं ला, तब एंट्री हमने रेज और राइट ऑफ। रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। ठीक है, इसका नेट इफेक्ट और इसका नेट इफेक्ट समझ में आ गया। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, अभी तो क्लास का ओवर होने का टाइम हो गया होगा, चलो अभी चलो। अच्छा, एक और इसमें टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का टॉपिक किया हमने, पर पहले चलो हम ये कर लेते हैं, इसके बाद हिडन गुडविल करेंगे। और एक होता है गुडविल प्राइवेटली पेड। प्राइवेटली पेड तो उन्होंने बाहर हिसाब कर दिया, वो फर्म के अंदर उन्होंने फर्म को बीच में लिया है तो उसकी कोई एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन हिडन गुडविल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो वो हम करेंगे। चलो ये क्वेश्चन लिखो। Thank you.